हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ में। सो गाइस, आज की सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि मेटा सर्च इंजन के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले उलल के एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको तैयार करना ही करना है, ठीक है। और आप अगर इस वीडियो आपने अगर इस वीडियो पूरा देखा तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि मेटा सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। आप एग्ज़ाम में चुटकियों में लिख के आएंगे, ये मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कंटेंट भी दूंगा और साथ में मैं आपको यहाँ पर एक लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मेटा सर्च इंजन में कैसे कंटेंट को सर्च करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो साथी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ये हमारा वीडियोज़ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मेटा सर्च इंजन को समझने से पहले समझते हैं कि सर्च इंजन क्या होता है। अब देखिए, सर्च इंजन किसी एक प्रोग्राम होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www जो वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के काम आता है। यूज़र अपनी जानकारी के अनुसार किसी भी कंटेंट को ढूंढना चाहता है, वह उस कीवर्ड को डालता है और कीवर्ड के आधार पर सर्च इंजन रिजल्ट दिखाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ब्राउज़र है और आपने उस ब्राउज़र में एक सर्च इंजन google.com, ये आपका क्या है? ये आपका एक सर्च इंजन है, आपने google.com ओपन कर रखा है, ठीक। आप चाहते हैं पता लगाना कि कंप्यूटर क्या होता है, तो आपने यहाँ पर एंटर किया इसके सर्च बार में कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद गूगल क्या करेगा? एक गूगल के पास एक डेटाबेस होता है इंडेक्स के फॉर्म में, वो क्या करेगा, जो आपने यहाँ से दिया है कीवर्ड, ध्यान दीजिए, जो आपने लिखा ना क्वेरीज क्वेश्चन आपने जो लिखा है, इसी को बोलते हैं कीवर्ड। तो क्या करेगा, वो इस कीवर्ड को रीड करेगा, रीड करने के बाद जो उसके पास डेटाबेस होगा वो उस डेटाबेस से इस कीवर्ड को मैच कराएगा, और मैच कराने के बाद जो भी कंटेंट उससे मैच होगा वो तुरंत आपके सामने क्या करता है, प्रेजेंट करने लगता है वन बाय वन। जो कंटेंट ज़्यादा मैच करता है, सफिशिएंट होता है आपके कीवर्ड के हिसाब से, वो सबसे ऊपर आता है और उससे कम कम करते हुए आपके सामने रिजल्ट शो करता है। तो ये कुछ सर्च इंजन आपका इस टाइप से काम करता है। अब देखिए, जो आपके सर्च इंजन होते हैं वो आपके चार टाइप्स के होते हैं मुख्यतः, कौन कौन से? पहला आपका होता है मेटा सर्च इंजन, दूसरा आपका होता है डायरेक्टरीज, तीसरा आपका होता है हाइब्रिड सर्च इंजन, चौथा आपका होता है क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन। तो आपके चार टाइप्स के इंजन होते हैं बेसिकली, इनमें से हम लोग आज मेटा सर्च इंजन के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे काम करता है। अब देखिए, कुछ पॉपुलर इंजन के बारे में देख लेते हैं। तो पहला आपका रहेगा गूगल, बिंग, याहू, आस्क और बैदू। ये आपके क्या है? ये आपके मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है, इनमें से जो आपका गूगल है सबसे नंबर वन पे है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सर्च इंजन आपको गूगल, ठीक है। अब देखिए, कुछ सर्च इंजन ऐसे भी हैं जिनको हमारे इंडिया में डेवलप किया गया है, बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। उनमें से कौन कौन से हैं? GIS, EWS, गुरु जी, इपिक सर्च और भानवाड। जब क्या है, ये आपके चारों ही क्या हैं, इंडियन सर्च इंजन है, यानी कि इनको इंडिया में डेवलप किया गया है। अब देखिए, जो भी आपके सर्च इंजन होते हैं उनमें तीन महत्वपूर्ण स्टेप्स होती हैं। पहली उनमें से है क्रॉलिंग। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जो आपका क्रॉलिंग होता है, जो सर्च इंजन होता है, इसमें क्या होती है, इसमें एक ऑटोमेटेड रोबोट स्पाइडर होता है। क्या होता है? ऑटोमेटेड रोबोट स्पाइडर होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली जितना भी कंटेंट इंटरनेट पे है उसको वो स्कैन करता है कि भैया इसका टाइटल क्या है, इसका कीवर्ड क्या है, इसमें कौन सा कंटेंट है, कंटेंट में क्या है, टेक्स्ट है, वीडियोज़ है कि ऑडियोज़ है, कैसा कंटेंट है। तो ये सब वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद अब बारी किसकी है, इंडेक्सिंग की। वो क्या करता है, इंडेक्सिंग करता है। मान लीजिए ये उसका एक डेटाबेस है, इस डेटाबेस में से बना रखा है कि यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे कीवर्ड आएगा, यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पे ऑडियो आएगी, यहाँ पे वीडियो आएगा, यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो जो क्या करता है, ये सारी जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें जाएगा, वहाँ से जो उसको मिलेगा, उसके जो काम का होगा, जो मेन रहेगा, वो वहाँ से उसको इंडेक्स लिखेगा कि भैया ये वेबसाइट इनकी है और यहाँ पे हमको मेरा मुझे ये कीवर्ड मिला है, उसमें टेक्स्ट है, ये इसका टाइटल ये है, इसका कीवर्ड है। तो यानी ये बहुत सारी वेबसाइट से कंटेंट को इकट्ठा करता है और उस कंटेंट के हिसाब से, टाइटल के हिसाब से, कीवर्ड के हिसाब से, कंटेंट के आधार पर वो अपने एक बनाता है डेटाबेस, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद ये उसका डेटाबेस बन चुका है कि भैया इसका टाइटल ये रहेगा, इसका कीवर्ड ये है, तो इसका कंटेंट ये रहेगा। आपने कोई सर्च बॉक्स में कोई चीज़ सर्च की, सर्च करने पर जो भी आप वहाँ से कीवर्ड एंटर करेंगे तो वो उस कीवर्ड को लाता है गूगल और अपने डेटाबेस से मैच कराता है। तो जो भी उससे मैच होता है कंटेंट, वो उसको तुरंत उठा के आपके सामने प्रेजेंट करने लगता है कि भैया इससे संबंधित ये आपके पास जानकारी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से पता लगाइए। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ पर सर्च इंजन के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, वो आपका है क्या, मेटा सर्च इंजन क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई कीवर्ड एंटर करते हैं तो यह कीवर्ड अलग अलग कई सारे अन्य सर्च इंजन पर ले जाकर सर्च करता है और सभी के रिजल्ट को लाकर दिखाता है। ऐसे सर्च इंजन को क्या बोलते हैं, मेटा सर्च इंजन। अब देखिए,
मान लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये आपका गूगल है, ये आपका बिंग है, और ये आपका हो गया एग्जाम्पल के लिए आस्क डॉट कॉम। यानी कि जितने भी सर्च इंजन हैं उनका एक अपना अलग अलग क्या होगा, डेटाबेस होगा। क्या होगा? डेटाबेस होगा। भाई देखो, इसने अपने हिसाब से यहाँ सेट किया होगा, भैया इसका कीवर्ड है, इसका टाइटल है, और इसमें ये ऑडियो से वीडियोस है, और इसने अपने हिसाब से किया होगा, और इसने अपने हिसाब से किया होगा। यानी कि इन तीनों के पास अपना अलग अलग डेटाबेस होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई कीवर्ड डाला किसमें, गूगल डॉट कॉम पे, तो वो क्या करेगा, गूगल डॉट कॉम अपने डेटाबेस से उसको मैच कराएगा और आपके सामने डेटा का आउटपुट शो करेगा। बिंग में आप सर्च करेंगे तो आपका जो बिंग का डेटाबेस होगा वो उससे मैच कराएगा और आपको शो करेगा। लेकिन जो आपका होता है मेटा सर्च इंजन, ये काम कैसे करता है कि ये मान लीजिए ये आपका है एक मेटा सर्च इंजन, मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, कि ये मान लीजिए इसका मेटा सर्च इंजन है, मेटा सर्च इंजन। आपने इसके सर्च बॉक्स में कुछ टाइप किया, मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है और आपने एंटर किया, तो वो क्या करेगा, इस कंप्यूटर क्या होता है इस कीवर्ड को गूगल के पास में, बिंग के पास में, आस्क के पास में, जितने भी सर्च इंजन होंगे सबके पास भेज देगा, और वहाँ से वो क्या कराएगा, सर्च कराएगा। सर्च करने के बाद इसका कुछ रिजल्ट अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, तो क्या करेगा वो इसका 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 जितने भी होंगे सर्च इंजन उनसे डेटा को कलेक्ट करेगा। डेटा को कलेक्ट करने के बाद वो आपको आउटपुट शो करेगा। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका मेटा सर्च इंजन होता है ये किसी भी क्वेरीज़ को जितने भी सर्च इंजन होते हैं सबके पास भेज देता है, और वहाँ से जो भी उसका आउटपुट आता है वो उस आउटपुट को कलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कहाँ पे, ब्राउज़र पे, और वहाँ पे हम लोग मेटा सर्च इंजन में कोई कीवर्ड डालकर सर्च करने का। तो दोस्तों देखिए, मेरे सामने एक खुला हुआ है, क्या ये आपका एक सर्च इंजन है, इसका नाम क्या है, गूगल डॉट कॉम। ये क्या आपका एक सर्च इंजन है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई कीवर्ड डाला, मान लीजिए मैंने इसमें लिखा कि गेस पेपर ऑफ आईसीटी, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कीवर्ड, क्या हो जाएगा, कीवर्ड, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर क्वेरी टाइप करते हैं उसको बोलते हैं कीवर्ड, ठीक है। आपने सर्च इंजन जो आपका है गूगल डॉट कॉम, आपने वहाँ पर लिखा कोई कीवर्ड और आपने यहाँ से उसको सर्च कर दिया, तो सर्च करने के बाद जो भी उसको मिलेगा उस कीवर्ड से संबंधित परिणाम वो आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ देख सकते हो जो मेरी वेबसाइट है सबसे ऊपर आ रही है गूगल में, यानी कि जो गूगल सर्च इंजन है उसने मेरी वेबसाइट को सबसे ऊपर रखा हुआ है इस कीवर्ड के तुलना में, ठीक है। अब देखते हैं, अब मान लीजिए अगर मैं सेम कीवर्ड सर्च करूँ किसमें, मेटा सर्च इंजन में, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मुझे वहाँ पर कौन सी रैंक मिलती है मेरे इस आर्टिकल को। तो मान लीजिए सबसे पहले मुझे उस मेटा सर्च इंजन का नाम मालूम होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो आपका होता है डॉग पाइल हो गया, ठीक है, और आपका हो गया मम्मा MAMMA, और भी आपके हो गए मेटेजर, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके सारे मेटा सर्च इंजन के नाम हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक मेटा सर्च इंजन खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे सामने एक मेटा सर्च इंजन ओपन हो चुका है। अब देखिए जो आपका इसका इंटरफेस है वो कुछ इस टाइप से है, जिस प्रकार से गूगल का आता है उसी प्रकार से इसका भी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक मेटा सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, ये मेटा सर्च इंजन है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाला कीवर्ड गेस पेपर ऑफ आईसीटी, मैंने सेम डाला यहाँ पर, ठीक है, गेस पेपर ऑफ आईसीटी, और इसको सर्च किया, तो आप देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर हमको इस टैग को कितनी मिलती। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वहाँ पर मेरी वेबसाइट खुल के आ रही थी, और यहाँ पर सेम कीवर्ड से जो मेरा वीडियो है यूट्यूब का वो यहाँ पे ओपन हो रहा नंबर वन पे। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका मेटा सर्च इंजन होता है वो जितने भी सर्च इंजन हैं उनसे जो भी संबंधित रिजल्ट होगा, ये देखिए आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, जबकि वहाँ पर इतने सारे रिजल्ट शो नहीं हो रहे थे। आप यहाँ देखिए कितने सारे आ रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेटा सर्च इंजन और सर्च इंजन कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।